नमस्कार। आज की कहानी गलता लोहा लिखी है शेखर जोशी ने, कर रहे हैं व्याख्या। वंशीधर एक पहाड़ी गांव में रहने वाले ब्राह्मण हैं। वे पुरोहिती करके अपना पेट भरते हैं। किसी के यहाँ धार्मिक अनुष्ठान कराना उनकी आजीविका का साधन है। वंशीधर ने अपनी मुश्किलें अपने पुत्र मोहन के सामने बताईं। उनकी मुश्किल यह थी कि वे अब बूढ़े हो चुके थे। उनका शरीर श्रम और व्रत उपवास के योग्य नहीं रहा था। पहाड़ों की सीधी चढ़ाई चढ़ना उनके बस की बात नहीं रही। उन्होंने मोहन के सामने अपनी मुश्किल बता दी कि उनकी जगह मोहन यजमान के घर चला जाए और रुद्री पाठ करके आ जाए। इससे वह आजीविका कमाने के योग्य हो जाएगा। मोहन हंसवे को लेकर घर से चला। वह अपने पिता का हाथ बटाना चाहता था, यानी कि कुछ कमाना चाहता था, लेकिन वह यजमान का धंधा नहीं अपनाना चाहता था। इसकी बजाय वह खेत में काम करना चाहता था। इसके लिए हंसवे की उसे ज़रूरत थी। और हंसवा जो होता है वो होता है एक औजार होता है जिसे हम खेती के लिए काम में लेते हैं। हंसवे को धार लगवाने के लिए वह धनराम लोहार की तरफ चला जाता है। लोग बंसीधर का सम्मान करते थे क्योंकि वह पुरोहित था और अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम करता था और व्रत उपवास और संयम का जीवन जीता था। धनराम के पिता गंगाराम लोहार थे। उन्होंने धनराम को लोहार का काम सिखाया। वे उसे धोकनी फूकने या सान लगाने के लिए काम में लगाए रखते थे। धीरे धीरे उसे हथौड़ा चलाने और घन का काम भी सिखाने लगे। यदि धनराम उस कोई काम में गलती कर देता तो वे उस पर छड़, बेंत या हत्थे से प्रहार करके दंड देते थे, पिटाई करते थे। अध्यापक त्रिलोक सिंह धनराम को संटी मारकर दंडित करते थे। वे उस संटी को धनराम से ही मंगवाते थे। उसके पिता गंगाराम दंड देने के लिए छड़, बेंत, हत्था जो भी मिल जाए उसी से मार देते थे, उसी से अपना काम चला लेते थे पिटाई करने के लिए धनराम को। धनराम इस कहानी में लोहार का बेटा है और मोहन जो है वो पुरोहित जी का बेटा है। कहानी दोनों से शुरू होती है। धनराम जो है उसके पिता गंगाराम ने ही बचपन से ही उसे सान लगाने, धोकनी फूंकने, ये सब लोहारी के काम होते हैं, हथौड़ा चलाने और घन चलाने के काम में लगा दिया था। घन होता है हथौड़ा, उस पर एक लोहे का बना हुआ चौकोर ईंट टाइप का होता है, उस पर रख के लोहा हथौड़ा चलाते हैं जिससे लोहे की शेप चेंज हो जाती है। ये सब काम वह धनराम जो था अपने पिता से सीख गया था। एक दिन उसके पिताजी का देहांत हो जाता है और वह पूरा कामकाज संभाल लेता है। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली थी, यानी स्कॉलरशिप मोहन को मिल गई थी। त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध तो कर दिया कि साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोताही करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वो अपने पुत्र को बड़ा आदमी बनाने के ख्वाब देखने लगे। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वो कितनी दिन तक अपने परिवार का पेट भर पाते, इसलिए उन्होंने सोचा कि मोहन को पढ़ा लिखा करके वंश का दारिद्र्य मिटा देंगे, गरीबी मिट जाएगी। और उनकी हार्दिक इच्छा यही थी कि मोहन को पढ़ा लिखा करके एक बड़ा आदमी बनाया जाए, लेकिन इच्छा होने से ही सब कुछ नहीं हो पाता। आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल जाता तो स्कूल 4 मील दूर था, 2 मील चढ़ाई पहाड़ पे चढ़नी पड़ती और बरसात के मौसम में रास्ते में नदी की समस्या अलग थी। लेकिन इस पर भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा ही दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थक मानकर घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्यावेशनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। यानी उसके पिता उसे नई नई कहानियां सुनाते जो पढ़ाई से संबंधित होती थी और हमेशा उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। इन दोनों के मास्टर त्रिलोक सिंह थे
जो प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, यानी मोहन और गंगाधर दोनों के, धनराम के जो मास्टर थे वो थे त्रिलोक सिंह जी, जो मोहन की प्रतिभा पर मुग्ध होकर के उन्होंने ये कह दिया कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनेगा स्कूल का और उनका नाम रोशन करेगा। यह भविष्यवाणी कुछ सीमा तक सच भी सिद्ध हुई और उसे छात्रवृत्ति मिल गई, स्कॉलरशिप मिली। यह उसकी प्रतिभा ही थी कि उसे स्कॉलरशिप मिली थी। मास्टर जी इससे बहुत खुश हुए। वंशीधर तिवारी मोहन के पिता थे, वे व्यवसाय से पुरोहित थे। उन्होंने अपने पुत्र मोहन को पढ़ाने लिखाने का दो कारणों से सपना देखा था कि एक तो उसे छात्रवृत्ति मिली थी, दूसरा वो अपना पुरोहिती का धंधा करना नहीं चाहते थे। वंशीधर को एक दिन रमेश नाम का व्यक्ति मिल जाता है, जो मोहन को पढ़ाने के उन्हें ख्वाब दिखा के मोहन को अपने साथ अपने गांव ले जाता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। यानी पढ़ाई के लिए मोहन लखनऊ चला गया। लखनऊ जाने पर मोहन की ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें एक को वह चाची कहता था और दूसरी को भाभी कहता था, उनका पूरे दिन काम करता। धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। वंशीधर तिवारी मोहन को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उसे साथ भेजना पड़ा रमेश के, और रमेश ने उसे पढ़ाने की बजाय वहाँ पर उससे घरेलू काम करवाए। रमेश बंसीधर तिवारी के गांव का ही युवक था, जो धोखे से उसे लखनऊ ले गया, और मन ही मन उसका उद्देश्य ये था कि बालक से मुफ्त में नौकर का काम करवा लेगा। लखनऊ में जाते ही मोहन के साथ नौकरों जैसा दुर्व्यवहार किया गया। कहने को तो वह घर का बालक था, लेकिन वह घर के सारे कामकाज इस प्रकार करता था कि घर का कोई नौकर हो। यहाँ पर उसके साथ पढ़ाई के बजाय उसे घर के कामों में लगा दिया गया। साथ ही मोहल्ले की अन्य महिलाएं भी उससे अपने छोटे मोटे काम करवाने लगी। इस प्रकार वह पूरे मोहल्ले का साझा नौकर बन गया। औसत दफ्तर बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बताना उसके सम्मान के खिलाफ लगता था। यानी उसे शर्म आती थी कि मोहन को अपना भाई बताए, और वह हमेशा उसे घरेलू नौकर की तरह से आदेश देता था। इस बात को मोहन भी समझने लग गया था। थोड़ी बहुत हील हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन काम के बोझ के कारण वह गांव का मेधावी छात्र स्कूल के जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा, यानी वह घर के काम करता रहा और पढ़ाई में उसका इतना ध्यान नहीं लगा। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में गांव जाता, तभी उसे मौका मिलता अपने पिता से मिलने का। जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी करने के लिए उसे शहर में ही रहना पड़ता था। अगले दर्जे की यानी अगली क्लास की तैयारी तो बहाना था, सवाल था कि रमेश ये चाहता था कि उसके घर के काम ना रुके। इस प्रकार से मोहन ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं था। अगर वह यह बात अपने पिता को बताता तो वह दुखी होते और उनके सुनहरे भविष्य के सपने टूट जाते। इसलिए उसने अपने पिता को भी ये बात नहीं बताई कि रमेश उससे लखनऊ में घरेलू काम करवाता है, पढ़ाई नहीं करवाता है बल्कि उससे घरेलू काम करवाता है। रमेश दफ्तर में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत था, इसलिए वह दीनहीन दिखने वाले मोहन को अपना भाई या रिश्तेदार नहीं बताता था। उसे अपना बंधु मानना उसके सम्मान के विरुद्ध था, इसलिए उसको केवल घरेलू नौकर की तरह मान करके वह
उसकी कीमत चुकाता था। मोहन मेधावी छात्र था, परंतु रमेश के घर के सदस्य दिन भर काम करवाते, थक जाता तो पढ़ाई नहीं कर पाता, और इस कारण से उसकी प्रतिभा दब करके रह गई। मोहन ब्राह्मण के टोले से संबंध रखता था। वह लोहा ढालने का काम जानता था। वह स्वाभाविक रुचि के कारण शिल्पकार टोले में गया। गांव में ऊंच नीच और जाति प्रथा का बोलबाला था। ब्राह्मणों को ऊंचा और पूज्य माना जाता था, जबकि लोहार को नीची जाति का माना जाता था। इस कारण ब्राह्मण टोले के लोग अपने बड़प्पन के कारण शिल्पकारों के टोले में उठते बैठते नहीं थे, क्योंकि वे अपने आप को ऊंचा मानते थे ब्राह्मण गांव के। धनराम मोहन को अपने पास बैठा देखकर और उसके काम में रुचि लेता देखकर बहुत असमंजस में पड़ गया। मोहन और धनराम दोनों बैठ करके लोहार का काम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। मोहन धनराम को देख रहा है और उसके काम में रुचि ले रहा है। वह समझ नहीं पाया कि अपने आप को ऊंचा मानने वाला मोहन लोहा पीटने में इतनी रुचि कैसे ले रहा है। यानी धनराम को आश्चर्य होता है जब मोहन बहुत ध्यान से उसके लोहे के काम को देख रहा होता है। और हीन कही जाने वाली लोहार जाति के टोले में क्यों बैठा है, धनराम ये सोचने लग जाता है। मोहन ने लोहा ढालने की कारीगरी अवश्य तकनीकी विद्यालय में सीखी होगी। यद्यपि उसने धनराम को भी काम करते हुए बारीकी से देखा था, किंतु उतने ही निरीक्षण से कुशलता नहीं आ सकती। यानी आप जब कोई काम देखते हैं तो आप नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जब आप उसे करते हैं और करते ही जाते हैं, अभ्यास करते ही जाते हैं, तो आपको वह काम पूर्णतया करना आ जाता है। लेखक ने स्पष्ट बताया है कि मोहन ने अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करके और फिर निहाई कर रख कर उससे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे दिया। ये अभ्यस्त हाथ अवश्य ही किसी तकनीकी विद्यालय की देन थे। धनराम को दो बातों पर आश्चर्य हुआ। पहला इस बात पर कि मोहन ने बिना काम सीखे इतनी आसानी से इस गोले को कैसे ढाला, क्योंकि मोहन ने लोहार का काम सीखा हुआ नहीं था। दूसरा इस बात पर उसे आश्चर्य हुआ कि पुरोहित खानदान का युवक होते हुए भी लोहा काटने जैसा नीचा समझा जाने वाला काम उसने किस साहस के साथ किया। लोहे को इच्छानुसार ढालने के बाद मोहन की आंखों में एक चमक सी आ गई। चमक किस चीज़ की थी? उसने जो निर्माण किया था, जो आप अपनी चीज़ बनाते हो तो आपकी एक आंखों में चमक आ जाती है, खुशी जो आपको मिलती है उसके कारण। मोहन की आंखों में चमक आ गई थी कि उसने इतना अच्छा काम किया है। वे चाहता था कि धनराम उसके बनाए हुए गोले की प्रशंसा करे, और वह धनराम से अपनी कार्यकुशलता की स्वीकृति चाहता था। धनराम लोहार जाति से था और मोहन पुरोहित खानदान से था। समाज में लोहार के काम को नीचा माना जाता है और पुरोहिती के काम को ऊंचा माना जाता था। इसलिए धनराम को आश्चर्य हुआ कि मोहन ने लोहार का काम करने में रुचि क्यों दिखाई, उसने काम कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, क्यों सीखा और कब सीखा। धनराम लोहार जो था वो लोहारी का काम करता था। मास्टर उसे पीटते थे, वो पढ़ाई में भी तेज नहीं था और उसे गणित तो बिल्कुल भी नहीं आता था। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे तेरे का पहाड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते और संटी से पीटते। उधर धन्नाराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का काम सिखा रहे थे। वे उसे सान चढ़ाना, धोकनी फूकना, हथौड़ा चलाना और घन चलाना सिखा रहे थे। वे भी गलती करने पर उसे बहुत बार छड़ी से या हत्थे से पिटाई कर देते थे। इस प्रकार धनराम ने कौन सी चीज़ें सीखी, पढ़ाई भी सीखी और लोहार का कर्म भी सीखा। लेकिन मोहन ने सिर्फ पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में उसने लोहार का काम भी सीखा। धनराम स्वयं को नीची जाति का समझता था और मोहन को ऊंची जाति का समझता था।
दूसरे मोहन कक्षा में उससे होशियार था, इसलिए मास्टर जी ने मोहन को कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। मास्टर जी कहा करते थे कि एक दिन बड़ा होकर वह स्कूल का नाम रोशन करेगा। यही कारण था कि कभी भी धनराम मोहन से स्पर्धा नहीं करता था और उसने शुरू से ही उसे अपने से ऊंचा समझ लिया था। लेकिन जब धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को गोलाई देने की बात पर आश्चर्य होता है तो उसे मोहन की कुशलता पर इतना अधिक आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि उसके निर्भिमानी व्यवहार पर। अभिमान नहीं था उसके अंदर। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र था, ऊंची जाति मानी जाती है, कोई ब्राह्मण बालक लोहार जैसे नीचे समझे जाने वाले कार्य में हाथ नहीं डालता। इस बात पर उसे आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से उसने जाति को भुलाकर यह काम स्वीकार कर लिया। उसकी आंखों में एक सजग की चमक थी। कहानी में यह वाक्य जो है मोहन के लिए कहा गया है। मोहन धनराम लोहार की आफर पर बैठा था, यानी जिस पर बैठकर लोहे का काम करते हैं। धनराम एक मोटी छड़ वाले लोहे को ठीक से मोड़ नहीं पा रहा था, तभी मोहन ने अपनी ऊंची जाति की परवाह न करते हुए वह छड़ संभाली और कुशलता से उसे गोला कर दिया। इस सफलता के कारण उसकी आंखों में सजग की चमक आ गई थी। उसे लगा कि यह प्रशंसनीय काम उसके हाथों से हुआ है। यह कथन मोहन के जाति धर्म निरपेक्ष व्यवहार को उजागर करता है। वह पुरोहित खानदान का पुत्र होते हुए भी ऊंच नीच के भाव से मुक्त हो गया। यही कहानी का शीर्षक भी है, गलता लोहा। यानी यहाँ पर जातीय अभिमान जो है वो गलकर समाप्त हो गया है। मोहन ने लोहार जैसे निम्न माने जाने वाले धंधे को सीखा और उसमें कुशलता भी प्राप्त की। उसने जातीय अभिमान को तोड़कर कार्य को महत्व दिया। पूरी कहानी का शिक्षा यही मिलती है कि किसी भी कार्य के लिए कोई जाति मायने नहीं रखती है। उसने धनराम के साथ बराबरी और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भी अपनी उदारता का परिचय दिया। प्रश्न उठता है कि गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन में संघर्ष में क्या फर्क है। आपने पूरी कहानी में देखा कि मोहन का जीवन संघर्षपूर्ण रहा, बचपन से लेकर के पढ़ाई तक। मोहन ने अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष देखे। गांव में उसने गरीबी देखी, साधनहीनता और प्राकृतिक बाधाएं। यहाँ तक कि उसे पढ़ाई के लिए 4 किलोमीटर दूर चल करके जाना पड़ता था। रास्ते में पहाड़ी नदी को भी पार करना पड़ता था। जब वो शहर आ गया तो उसके संघर्ष और भी बढ़ गए। कैसे बढ़ गए कि उसे दिन भर नौकरों की तरह काम करना पड़ता और रमेश बाबू के घर वालों की हर बात माननी पड़ती। जिस पढ़ाई के लिए वह शहर आया था उसे नाम मात्र भी नहीं मिल सकी। मास्टर त्रिलोक सिंह जो थे एक परंपरागत अध्यापक हैं। इस कहानी में बच्चों को मार पीट कर पढ़ाई में विश्वास है उनका, और बच्चों को डांटना पीटना और कटु वचन कहना तो मानो उनका अधिकार है। वे धनराम पर तीनों तरीके अपनाते हैं, यानी उसे पीटते भी हैं, डांटते भी हैं और कटु वचन भी कहते हैं। यहाँ तक कि पिटाई करने के लिए जो संटी होती है एक नर्म प्रकार की लकड़ी जिससे बच्चों को गांव में पीटा जाता है। परंपरागत मास्टर जो हैं, अध्यापक जो हैं, बच्चों को पीट करके पढ़ाई कराना पसंद करते हैं। तो वो संटी भी उसी बच्चे से मंगवाते हैं मारने के लिए। ये इस कहानी का जो एक चरम सीमा बताई है मास्टर जी की। मास्टर जी के मन में भी जातिगत उच्चता और नीचता का भाव गहरे से बैठा हुआ है, इसलिए वे मोहन को प्रेम करते हैं और धनराम का तिरस्कार करते हैं। धनराम को दिमाग में लोहा होने का व्यंग्य करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में लोहा जमा हुआ है, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो। इस प्रकार से वो व्यंग्य वचन कहते हैं जो शोभनीय नहीं है, और वो पढ़ाई के बदले में धनराम से मुफ्त में कैंची की धार
दरातियों पर धार भी लगवाते हैं, इसकी भी प्रशंसा नहीं की जा सकती। मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने लिखाने सिखाने और आगे बढ़ाने में रुचि लेते हैं, लेकिन उनका तरीका जो है वो अशोभनीय है, किंतु शिक्षा कर्म में उनकी निष्ठा सच्ची है। इस कहानी के अंत में यह स्पष्ट नहीं होता कि मोहन ने लोहे को गोल करने के बाद केवल सृजन सुख लूटा और खेती करने चला गया या इस व्यवसाय को अपना लिया। यदि लेखक सांकेतिक रूप में यहाँ बंसीधर तिवारी को भी आया दिखा देता और उसकी पीठ पर शाबाशी का हाथ रखवा देता तो कहानी और भी अधिक प्रभावी और स्पष्ट हो जाती। लेकिन कहानी का जो निष्कर्ष है वो यही है कि मोहन ने जातीय अभिमान को परे रख के लोहार वाला काम बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से किया और उसकी जो सृजन की चमक थी वो उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दी। धनराम कक्षा में नलायक हुआ करता था कहानी में, जिससे कि आपने देखा, और मोहन बड़ा ही होशियार हुआ करता था। मोहन ने अंत में भी अपनी होशियारी लोहे के काम में भी दिखा दी, जबकि उसने ये काम सीखा हुआ नहीं था। मोहन के संघर्ष थे बचपन के और पढ़ाई तक, शहर में जब उसने पढ़ाई की तब तक लेकर के, उसके कारण ही उसमें ये कला का निखार आ पाया कि जो काम उसने नहीं किया था वह काम भी उसने आसानी से कर लिया। यानी लोहार का बच्चा तो शुरू से वही काम कर रहा था, लोहे को मोड़ने का, लेकिन मोहन ने प्रथम बार ये काम किया और